गुरुग्राम में सेक्टर 67 स्थित एसेंशिया सोसाइटी के लोगों ने बिजली की समस्या के साथ साथ अन्य सुविधा नहीं मिलने के चलते प्रदर्शन किया और लोगों का आरोप है कि पिछले काफी समय से वो बिल्डर को मेंटेनेंस के पैसे दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। लोगों ने कहा कि वो कई बार प्रशासन से लेकर के उच्च स्तर के अधिकारियों को भी इस मामले में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई समाधान नहीं हो रहा। मेरी जानकारी के हिसाब से कोई 900 फ्लोर्स हैं जहाँ पे रेजिडेंट रहते हैं। अगर एक फ्लोर के अंदर अगर आप 3 या 4 भी करें तो अबाउट 4000 के करीब लोग रह रहे हैं और 500 प्लाट का आगे प्रोविज़न है जो अभी प्लॉट बनने हैं। तो मेरे को, मैं अक्टूबर में आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मूलभूत, यहाँ ना तो रेन हार्वेस्टिंग है, जब भी कोई बरसात होती पूरा आंसल एसेंसिया पानी से भर जाता, सड़क भी नहीं दिखती, ये भी नहीं पता चलता अभी गाड़ी कहाँ से चलाएं। ड्रेन स्टॉर्म जो ड्रेनेज है वो भी नील के बराबर है, और उसके बाद सबसे बड़ी ये है कि जो अंडरग्राउंड केबल हैं, अंडरग्राउंड केबल बिल्कुल डेड पड़ी है, जरा सा लोड आता है वो ट्रिप कर जाती हैं, और जो इनका सप्लाई सेंटर है जहाँ से बिजली जाती है, 2 घंटे लाइट चले जाएं तो वहाँ मॉइस्चर आ इतना आ जाता है कि वो दोबारा ही नहीं चलता। और आप अभी बार बार ये पूछ रहे हैं कब से लाइट नहीं है, आप ये पूछो कि कितने घंटे लाइट आ रही है। मैं अक्टूबर से अब तक यहाँ पे हूँ, मुश्किल से 2 महीने अगर कैलकुलेट करें तो 2 महीने के बराबर लाइट आई होगी, 7-8 महीने।